मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को हराने के लिए प्रदेश में जो निर्णय लिए हैं, निश्चित ही उत्तर प्रदेश कोरोना पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण सफल होगा। इसी कार्य में सहायक बनने का काम गोरक्षपीठ से जुड़ी सभी संस्थाएं कर रही हैं। गोरक्षपीठ की सबसे पुरानी संस्था दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर ने स्थानीय स्तर पर इस बीमारी से लड़ने एवं कोरोना से जंग लॉकडाउन के संग के मुहिम को सफल बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। लॉकडाउन के प्रथम चरण में कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि देने, फ्री होम डिलीवरी सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के बाद अब द्वितीय चरण में कॉलेज ने हर्बल सैनिटाइजर बनाने का निर्णय लिया, जिसका निशुल्क वितरण कॉलेज द्वारा गोद लिए गए गांव जंगल रामपुर उर्फ रजही एवं गोरखपुर के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कॉलेज के पुरातन छात्र डॉक्टर संजय कुमार सिंह, निदेशक निरोग प्राकृतिक चिकित्सालय गोरखपुर एवं कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर पवन कुमार पांडे, डीपी सिंह, आयुर्वेदाचार्य महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय डॉक्टर एनपी सिंह, सचिव डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मौजूद रहे, जिसमें अभी कोरोना वायरस की जो समस्या है वो इसका कोई उचित उपचार अभी तक निश्चित नहीं होता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजिंग की ज्यादा महत्व है। इसलिए सैनिटाइजिंग की व्यवस्था में हम लोगों ने सोचा और इसी सोच के साथ हम अपने प्रचार्य और गुरु डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह दिग्विजयनाथ कॉलेज से उनसे मैंने बात की, वो काफी उत्साहित हुए और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मुझे जोड़ा और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी अच्छे से संपादित किया, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक औषधि का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा का प्रयोग किया गया है, जिसका प्रात लिया गया है और साथ ही इसको सेंट्रलाइजिंग करने के लिए इसमें हमने वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे उपयोगी इस समय सैनिटाइजिंग है और उसके लिए ही ये मिक्सअप जो प्राकृतिक औषधि के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें प्राकृतिक औषधि का ही प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से हर्बल है। जो हम देखें इसमें हम इस समय फीड कर रहे हैं, इसमें मूल रूप से नीम, तुलसी, एलोवेरा और हल्दी की मात्रा है और सॉफ्टनेस के लिए थोड़ी सी फिटकरी का प्रयोग किया गया है और साथ ही सैनिटाइजिंग के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। अभी पूरी तरह से बन के तैयार है लगभग 300 प्लस ये हर्बल सैनिटाइजर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर द्वारा तैयार किया गया है, जिसका वितरण आज रजही गांव में होगा। ये महाविद्यालय द्वारा गोद लिया गया गांव है, जिसमें आज इसका वितरण कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसे तैयार करने में विशेष सहयोग जो प्राप्त हुआ है महाविद्यालय के, वो है महाविद्यालय के पुरातन छात्र डॉक्टर संजय सिंह, ये निदेशक भी हैं निरोग प्राकृतिक चिकित्सालय के, एवं इसके साथ ही जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों की दिशा निर्देशानुसार ये तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर डीपी सिंह जी, आयुर्वेदाचार्य गोरखनाथ चिकित्सालय, डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली से जुड़े हैं ये लोग और ये सैनिटाइजर तैयार हुआ। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महाविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क प्रभारी डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह व पुरातन छात्र डॉक्टर संजय सिंह ने बताया, जो दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पुरातन छात्र हैं और वर्तमान में निरोग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गोरखपुर के निदेशक हैं, उनका यह प्रस्ताव सराहनीय है कि वो महाविद्यालय से जुड़कर हर्बल सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं। इस विषय में हमने महाविद्यालय के शिक्षक डॉ पवन कुमार पांडे से चर्चा किया और उनसे अनुरोध किया कि
कि वो डॉक्टर संजय सिंह से वार्ता कर लें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए साथ ही साथ जो भी मानक आयुष मंत्रालय के हैं, विशेषज्ञों का जो भी परामर्श है उसको लेते हुए सैनिटाइजर बनाने का प्रयास करें और इसके लिए वह जो कुछ भी करें अपने आवास पर ही करें, क्योंकि महाविद्यालय को इस कार्य के लिए खोला नहीं जा सकता। और पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने ये अनुरोध स्वीकार किया और पुरातन छात्र परिषद को जोड़ते हुए डॉक्टर कमलेश को, ब्रजेश विश्वकर्मा को वार्ता कर उनसे उनको जोड़कर और सैनिटाइजर का निर्माण